एसएल इंफ्रा के अनुबंध समाप्ति से बड़ा सवाल यह उठता है कि एक मल्टीनेशनल कंपनी होने के बावजूद जब संस्था राजधानी को गंदगी मुक्त नहीं करा पाई तो क्या रांची नगर निगम खुद अपने बलबूते राजधानी रांची को गंदगी मुक्त कर पाएगी। ऐसे में राजधानी वासियों के सामने एक मुश्किल आन पड़ी है। डॉक्टरों का मानना है कि शहर में अगर सफाई ठीक तरीके से नहीं हुई तो कुछ ही दिनों में मानसून आ जाएगा और बारिश के मौसम में कई तरह के संक्रमण होने का खतरा है। व्यक्ति को कई गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। बरसात अपने आप में बहुत सा रोगों को लेकर के आता है और बरसात के मौसम में बैक्टीरिया हो गया, कीड़े मकोड़े हो गए, वायरस हो गया, इसका प्रकोप जो है सो कई गुना बढ़ जाता है जो अन्य मौसम में नहीं होता है। इस मौसम में सर्वाधिक होने वाला बीमारियां जो दूसरे मौसम के अपेक्षा काफ़ी अधिक बढ़ जाता है वो ये है, सर्दी, खांसी, बुखार, मलेरिया बुखार, टाइफाइड बुखार, डेंगू बुखार, उसके बाद जॉन्डिस हो गया, पाचन क्रिया की गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो गया, ये सब परेशानियां जो है तो काफ़ी बढ़ जाती है। साथ साथ जो संक्रमण की बीमारियां, स्किन डिजीज, चमड़े पर जो है सो खुजली का शिकायत हो गया, घाव हो गया, जख्म हो गया, ये सब भी इस मौसम में काफ़ी बढ़ जाता है। इसीलिए इस मौसम में खास करके साफ सफाई का सर्वाधिक जो है सो ध्यान देने की ज़रूरत है कि बारिश के मौसम में सर्वाधिक ऐसे रोगों का प्रसार होता है और ऐसा रोग जो है सो बढ़ जाता है। तो इसीलिए इस मौसम में अधिक जो है सो ध्यान देने की ज़रूरत है। अभी देखा जाता है जहाँ तहाँ जो है कूड़ा करकट जो है सो वो पड़ा हुआ है और सरकार सफाई पर भी ध्यान दे रही है, उसके बाद भी जो है सो ये सब जो है सो ध्यान में आते रहता है और बरसात के मौसम में तो सर्वाधिक ध्यान देने की ज़रूरत है। इस पूरे मामले में पब्लिक की स्वास्थ्य की चिंता करते हुए जब सनमार्ग लाइफ की टीम ने नगर विकास मंत्री सीपी सिंह से इस बारे में बात की तो सीपी सिंह वही पुराना राग अलापते नजर आए और कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे पाए। रांची नगर निगम का यह भी मानना है कि कंपनी निगम की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पा रही थी, इसलिए उससे काम वापस ले लिया गया है। साथ ही जिस संसाधन के साथ एसएल इंफ्रा काम कर रही थी वह सभी संसाधन निगम वापस लेकर उन्हीं संसाधनों से राजधानी में सफाई का काम किया जाएगा। नगर निगम उस दिशा में काम कर रही है और गंदगी से निपटने के लिए सिर्फ नगर निगम का ही दायित्व नहीं है, यह दायित्व हर व्यक्ति का है। आपका भी दायित्व है, आपका दायित्व सिर्फ गंदा करना नहीं है, ठीक है ना, ये नगर निगम का भी दायित्व है और हमें सही स्थान पर गंदगी डालना ये हमारा भी दायित्व है। तो मेरा सवाल ये कि जो भी संसाधन जो है एसएल इंफ्रा के पास ज़्यादा थे लेकिन वो सारा संसाधन नगर निगम ने ले लिया, अब वो सारे संसाधनों का उपयोग रांची शहर की सफाई में वो करेंगे। विभाग और निगम के दावों की माने तो नगर निगम शहर की साफ सफाई करने में बिल्कुल समर्थ है और जनता को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होने दी जाएगी, लेकिन दावों से बड़ी उनकी चुनौती है शहर को साफ करने की, क्योंकि 20 जून को रांची में प्रधानमंत्री मोदी भी मॉनसून के साथ आ रहे हैं। देखना है कि 20 जून की समय सीमा से पहले नगर निगम शहर को साफ करने में कितना सफल हो पाती है, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। आपको बता दें कि नगर निगम हो या मंत्री, यह पहली बार नहीं है जब इन्होंने ऐसा कहा है। हर बार मंत्री या निगम की ओर से ऐसे बड़े बड़े दावे किए जाते हैं लेकिन अंत में परिणाम रांची वासियों को ही भुगतना पड़ता है। रांची से सनमार्ग लाइव के लिए कैमरा सहयोगी दीपक के साथ संवाददाता चंदन वर्मा की रिपोर्ट।